सबसे प्रथम हम जय पारस चैनल को धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या के एक होनहार प्रखर वक्ता श्री विवेक जी के प्रवचन को, इनके ज्ञान को अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में इसका प्रसारण करेंगे। और जहाँ तक विवेक जी की क्षमता है, वो बहुत बच्चेपन से मैं जानता हूँ, और होनहार विद्वान के हो सीखने बाद ये छोटे पर से ही इस प्रकार की प्रगति में रहे और आज जहाँ तक पहुँच गए हैं वह बहुत ही स्थान ऊंचा पहुँच गए हैं, और मैं समझता हूँ इससे भी आगे जाएंगे। इनके ज्ञान और इनके प्रकाशन प्रवचन देश विदेश में फैले, जिससे हमारे अयोध्या का गौरव बढ़े, क्योंकि मैं देखता हूँ कि नवयुवकों में इस प्रकार के विवेक जैसा विचार, विवेक जैसे प्रखर योग्यता रखने वाला बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि ये दिन प्रतिदिन अपने विकास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुदा देवा पदा पगा मस्तके। जिसके वाम भाग में भूधर सुता कौन, बोले साक्षात भगवती श्री परम्बा माँ पार्वती विराजमान हो। जिनके मस्तक पे देवा पगा मस्तके, देव नदी जिनके मस्तक पे शोभायमान हो रही हैं, भाल में चंद्रमा जिनके विराजमान है, गरल में कंठ में गरल विराजमान है जिनके, यस्यो रसी व्यालराट, जिनको व्यालराट माने सर्पों ने जिनको अपने जिनके गले में सर्पों की माला है, सोयम भूति विभूषण सुरवरः। आहा, जो स्वयं में विभूषित हैं, भूषण हैं, जो सुर में श्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, ऐसे सर्वाधिप सर्वदा, जो सभी जगह सभी प्रकार से सबका मंगल करते हैं, भगवान शिव को प्रणाम किया। और जो सर्व हैं, सर्व ही शिव हैं, शिव ही सुंदर हैं, इसीलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जो शिव है, शिव का अभिप्राय बोले सम कल्याणम करोतीति शंकर है, जो समान रूप से कल्याण करे, ऐसे भगवान शिव ससनिभः चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, चंद्रमा को भी अपने शीश मंडल पे स्थान देने वाले भगवान श्री शंकर के चरणों में हम सब पातुमाम, हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान शिव को प्रणाम किया, दूसरे में तो भगवान श्री रघुनंदन को प्रणाम किया है कि जिनके जो सदा मंगल स्वरूप हैं, जिनका मंजुल मंगल हम लोगों को सदा मिलता रहे, जो नीलांबुज हैं, इस श्लोक में मानो भगवान ने पूरी लीला का दर्शन कराया है, जो नीलांबुज हैं, जिनके श्यामल कोमल अंग हैं, जो सीता जी जिनके वाम भाग में सुशोभित हैं, और जिनके वाम भाग में श्री सीता जी सुशोभित हैं, जिन्होंने हाथों में धनुष बाण रखे हैं, और ऐसे जो भक्तों के रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं, ऐसे परमात्मा रघुवंश के नाथ परमात्मा श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार। गोस्वामी जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुरु के चरणों की पुनः वंदना करते हैं। पहले क्या कहा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सबसे पहले गुरु जी के चरणों के धूलि की वंदना करते हैं, जिनसे ठाकुर जी के चरित्रों में रुचि प्रदान होगी, सुरुचि सुवास, और हमारे जीवन में सुगंधी आएगी, सरस, और ऐसे नहीं सुगंधी केवल नहीं, कोई चीज बढ़िया सुगंधित हो लेकिन मीठा ना हो तो ऐसे सुगंधित और मीठा ना हो तो क्या फायदा, रस नहीं है, नहीं नहीं, ठाकुर जी की कृपा से गुरु जी के चरणों की वंदना करने से, चरण रज की वंदना करने से जीवन में सुरुचि आती है, सुवास आता है, जीवन में रुचि होती है, बढ़ती है, और भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी तो क्या होगा, बोले सुवास सुंदर वास, सुंदर महकता हुआ चरित्र सामने आएगा। इसके बाद क्या होगा, सरस चरित्र होगा, आप सरस हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे,
कड़वे नहीं रहेंगे। कई लोगों का स्वभाव होता है, उनसे अगर कोई पूछे आप कृपा करके कथा में, अरे हम तो नहीं आ सकते महाराज, हमारे पास समय नहीं है, बड़ा कठिन समय चल रहा है, कोई भी कोई बात कहे तो हमेशा गुस्सा के बोलते हैं, नाराज होके बोलते हैं। वो कड़वा स्वभाव मिट जाएगा, मीठा आ जाएगा, सुरुच सुवास सरस, और क्या होगा, अनुराग होगा। चार चीजें मिलती हैं गुरु जी के चरणों के रज की वंदना से, लेकिन इन चारों से भी काम नहीं चला तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरु जी के चरण रज ही, ये क्या है, ये दर्पण को साफ करेंगे। मन रूपी दर्पण में जो मट्टी जम गई है, जो काई लग गई है, उसको इनके चरणों के रज का स्पर्श होते ही, जैसे शीशे को अगर साफ करना हो, हमारे यहां हमने गांव में देखा है माताएं पहले शीशे को साफ करती थी तो राख से साफ करती, मट्टी से साफ कर देती शीशे को, मट्टी और राख से साफ करती, शीशा दो मिनट में चमक जाता। मतलब मन रूपी शीशे को यदि चमकाना है, जिनमें हम स्वयं का दर्शन कर पाए, तो गुरु जी के चरण रज की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होगा, जब मन और चित्त साम्य हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, पावन हो जाएगा, तब हम रघुवर के विमल यश का गान कर सकेंगे। इसलिए गुरु के चरणों की वंदना की, बंदों रघुबर विमल यश, अथवा तो गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के चरणों की रज से साफ हुआ मन रूपी पात्र ठाकुर जी के विमल रूपी यश को ग्रहण कर सकता है, और तब वो हम लोगों को चार पदार्थ देता है। क्या, जो दायक फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पदार्थ स्वयं ही मिलने लग जाए। गोस्वामी जी कहते हैं अब विमल यश की वंदना करते हुए गोस्वामी जी आगे बढ़े। तुलसीदास जी का सुंदर भाव, जब से परमात्मा श्री अयोध्या में ब्याह करके आए हैं, नित नए मंगल उत्सव हो रहे हैं। ऐसे तो भगवान का एक नाम है नित्य उत्सव, भगवान का एक नाम नित्य उत्सव है। श्री अयोध्या जी में हमारे यहाँ खूब उत्सव होता है, कभी भगवान के जन्म का उत्सव, फिर भगवान के कलयुग का उत्सव, फिर भगवान के जल विहार का उत्सव, फिर भगवान के शोभा का उत्सव, फिर झूलन का उत्सव, फिर भगवान के विवाह का उत्सव, फिर भगवान की परिक्रमा का उत्सव, फिर संतों के, विविध विविध प्रकार से नित्य उत्सव ही होते रहते हैं। बोला अयोध्या धाम की जय। ये नित्य उत्सव नगरी है श्री अयोध्या जी, और वृंदावन ये नित्य उत्सव नगरी। गोस्वामी जी कहते हैं जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुध कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुध कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुध कहूँ आई। मानो सिद्धि सिद्धि सब अवध में उमग उमग के आ रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भुवनों में, दसों दिशाओं में भगवान के मंगल में यश का गान हो रहा है। सुकृत रूपी, मानो दशरथ कौशल्या के सुकृत रूपी मेघ ही
ये जो पुण्य रूपी जल हैं ये मेघों में जाकर के संचित होके पूरे अयोध्या को सिंचाई मान कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहें मगन, पुरी में सब लोग मगन हो रहे हैं। अब धीरे धीरे समय बीता है, राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित होई देख सुन राव। राम जी के रूप गुण शील को सुन करके महाराज प्रमुदित होते हैं। एक बार का समय है महाराज, जब गोस्वामी जी एक बार कह देना तो कोई विशेष लीला की ओर संकेत कर रहे हैं। क्या एक बार सब सहित समा जा, एक बार सब सहित समा जा, राज सभा रघु राज बिराजा, राज सभा रघु राज बिराजा, सकल सुकृत मुँ रति नर नाहू, सकल सुकृत मुँ रति नर नाहू, राम सुजस सुनी अति ही उछाहू, राम सुजस सुनी अति ही उछाहू, राय सुभाय मुकुर समलीना, राय सुभाय मुकुर करलीना, राय सुभाय मुकुर करलीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पन अस उपदेसा, मनो जरठ पन अस उपदेसा। एक बार की घटना है, महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी सभा में बैठे थे, श्री राघवेंद्र सरकार भी उस सभा में विराजमान थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राघवेंद्र सरकार को दशरथ जी देख के मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। चारों तरफ सब लोग दशरथ राज जी को देख रहे हैं और दशरथ राज जी श्री राघवेंद्र सरकार को देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राजा ने देखा क्या? गोस्वामी जी यहां उपदेश देते हैं, क्या मानो राजा ने अपने सामने मुकुर, अपने मन को ही दर्पण बनाया, मन को ही राय सब सुभाय मुकुर कर लीना, मानो शीशा हाथ में लिया। शीशा हाथ में लेने का अभिप्राय स्वयं का साक्षात्कार किया। महाराज श्री दशरथ जी ने स्वयं का साक्षात्कार किया पूरे राज्यसभा के बीच में, और देखा क्या? बोले बदन बिलो की मुकुट समकीना, बदन को देखा, अपने मुख को देखा, मुकुट को सम किया। सम माने सीधा किया, मुकुट तिरछा है, सीधा किया। अभिप्राय बोले अभिप्राय फिर देखा, बहुत ध्यान से देखा तो क्या देखा कि कानों के समीप के बाल पक रहे हैं। जब कानों के समीप के बाल पकने लगे तो सावधान होना जरूरी है। हमारे आश्रमों में वैदिक जगहों वैदिक रीति में चार आश्रम बताए गए। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम बोले संन्यास। तो मानो दशरथ जी तो चौथे पन पायो सुचारी ना, चौथे पन में चार सुत मिले हैं। दशरथ जी ने देखा कि कानों के समीप के बाल पक रहे हैं, अब ये वानप्रस्थ की ओर संकेत कर रहे हैं और हम राजा बने बैठे हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो बुढ़ापा का आक्रमण हो रहा है, मानो बुढ़ापा आ रहा है जीवन में। सो राजा समझ गए, राजा के मन में विचार हुआ है। यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर पाई, विचार क्या हुआ है? नृप जुबराज राम कहूं देहु,
जीवन जन्म लाहु किन लेऊ। मानो नृप जी, मानो राजा युवराज को युवराज पद पे अभिषिक्त करना चाहते हैं राघवेंद्र सरकार को, ऐसा मन में उपदेश हुआ, भाव आया। प्रेम पुलक इतने प्रमुदित मन गुरु गयो सुनाई, मन मन में दृढ़ भाव करके गुरु को सुनाया है। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाई, जैसे ही सुनाया है गुरु जी ने आशीर्वचन दिया, गुरु जी ने कहा शुभ कार्य है इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। जौ पांच ही मत लागे निका, करहूं हरस हिय राम ही टीका। अगर पूरे राज्य की ये कामना हो, जैसे ही महाराज श्री दशरथ जी ने ये बात सभी मंत्रीगणों से पूछा, मंत्रीगणों ने तो पहले ही कह दिया हाँ हाँ महाराज बिल्कुल बिल्कुल ये उचित है, बिल्कुल बिल्कुल ये उचित है, होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और बड़े सावधान होकर के मंत्री जी ने क्या किया कि मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बीरव परयोजनु पानी। मानो दशरथ जी रूपी वृक्षम के जड़ में जल पड़ गया हो, ऐसा सबके सबके हृदय में जो वृक्ष दशरथ रूपी वृक्ष थे उनके तने राम जी हैं, मानो उसमें जल पड़ गया हो। सब प्रसन्न होकर के इस बात को कहते हैं, विनती सचिव करही कर जोरी, जियहू जगतपति बरस करोरी। अगर ऐसा न कहते तो सुमंत जी ऐसे कह देते हाँ हाँ सबकी यही इच्छा है, सबकी यही इच्छा है, मतलब दशरथ जी से कोई प्रसन्न नहीं है, सबकी इच्छा है राम जी को राजा बनाइए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। बोले राजन आप 100 करोड़ 10 करोड़ वर्ष जिए, आपकी दीर्घायु हो, आपने जो ये अनुमोदन लिया है ये पक्का है, ये बहुत सुंदर है, सबने हाँ किया है। कहो भूप मुनिराज कर जोई जोई आयस हो। महाराज जो जो आयस आज्ञा हुआ है वो राम राज्य अभिषेक की तैयारी की जाए। राम राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही है, सब गुरु जी ने आज्ञा दिया है। गुरु आगमन, गुरु जी वशिष्ठ जी पहुंचते हैं कहां, राम जी के आगे, उनकी अनुमति लेने के लिए, राम जी को बताने कि हे राजन, हे राम, तुमको श्री राम, राम तुमको राजा श्री दशरथ जी ने अब कुमार पद के लिए चुना है। किस लिए? बोले राजकुमार पद के लिए चुना है, तुमको राज आज्ञा प्रदान करते हैं। स्वयं गुरु वशिष्ठ जी जाते हैं और जैसे गुरु जी के आगमन को सुना श्री राम जी ने, सो आगम अपने अपने महल से तुरंत निकल के बाहर आए। गुरु वशिष्ठ जी आ रहे हैं, प्रणाम किया है, बड़ी वंदना की है, गहे चरण सिय सहित बहोरी, श्री किशोरी जी के साथ में चरणों की वंदना की है। बोले राम कमल कर जोड़ी, राम जी दोनों हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, सद्गुरुदेव भगवान कैसे आगमन हुआ, सरकार आप आज्ञा करते हम स्वयं आ जाए। ठाकुर जी की मर्यादा का दर्शन गोस्वामी जी कराते हैं। सोनी सने हैं साने बचन मुनि रघुबर ही प्रसंस, राम कस न तुम कहूं अस हंस बंस अवतंस। हे राम वास्तव में तुम इस हंस वंश, इस रघुकुल वंश के हंस हो, हे राम तुम्हारी जयकार हो, तुम निश्चित रूप से मर्यादा की परिसीमा हो। अब राम जी को सब वशिष्ठ जी ने बताया कि तुमको राजा राज्य देना चाहते हैं। राम जी के मन में आया कि हम सब चारों भैया एक साथ बले बड़े, एक साथ खाए खेले, ये अनुचित कैसा। गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं, राम जी कहते हैं क्या, जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सयन केली लरिकाई, भोजन सयन केली लरिकाई, करन वेद उपबीत बियाहा, वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा, संग संग सब भये उछाहा।